नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर हिंदी की जो मात्राएं हैं वो हम लोग कैसे लगाते हैं पेज मेकर के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आ की मात्रा क के साथ आ की मात्रा लगा है, फिर ये देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, ए की मात्रा, ये सारी मात्राएँ मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो ये कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और जिस फॉन्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस फॉन्ट का नाम है कृति देव, ये बहुत ही फेमस फॉन्ट है हिंदी टाइपिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको ये जो मात्राएं आपको दिख रहा है ये कैसे लगाते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और किस लेटर से ये मात्राएँ आएंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने एडोबी पेज मेकर 7.0 को ओपन कर लें। करने के बाद यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब जिस साइज़ का भी पेज आपको लेना है यहाँ से चूज़ कर लीजिए। फिलहाल मैंने लेटर ले रखा है और ओरिएंटेशन में वाइड कर देता हूँ, जिससे कि पूरा का पूरा ये लेटर आप थोड़ा बड़ा करके आप देख सकें। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक चौड़ा पेज आ गया। अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यहाँ से एक्चुअल साइज ले लिया, उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पेज को अपने कंप्यूटर हो या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ मैंने इसे इस तरह एडजस्ट कर लिया। करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट टूल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे आप, मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक इस तरह बना लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक बना लिया। थोड़ा सा लेटर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर 14 कर दिया, जिससे कि आप देख सकें। और यहाँ पे देखिए ये जो कंट्रोल पैलेट है, फिलहाल यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन दिखाई दे रहा है जो फॉन्ट है, लेकिन हमें यूज़ करना है कृति देव। तो यहाँ पे आप या तो यहाँ से आप यहाँ से ये जो बटन दिया हुआ है ये डाउन बटन, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं मिलता आपको वो फॉन्ट तो डायरेक्टली आप यहाँ पर ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप इसे डिलीट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर कृति देव आप टाइप कीजिए, KRUTI कृति। देखिए ऑटोमेटिकली कृति टाइप के यहाँ पे और कृति देव के जितने सारे फॉन्ट हैं आप जो भी अपने कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे शो करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पेज मेकर में पहला बार फॉन्ट यूज़ करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे शो नहीं करता है, तो आप एक बार टाइप कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो शो होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कृति देव 010, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, आ गया यहाँ पे। अब सवाल उठता है यहाँ पे मुझे टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए कब आप लिखना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, देख लीजिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये इसलिए मैंने ऑन करके रखा है जिससे कि आप देख सकें अच्छी तरह से, जान पाएँ कि कौन सा लेटर पे अल्फ़ाबेट इंग्लिश का लेटर से कौन सा हिंदी के वर्ड आते हैं, अक्षर आते हैं, ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर फॉन्ट है, यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा चेंज हो जा रहा है फॉन्ट, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल पैड को यहाँ पे लाया, उसके बाद फिर से यहाँ पे कृति देव कर देता हूँ, आ गया, फिर इंटर प्रेस कर दिया, आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कर्सर आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे क, तो क के लिए यहाँ पे देख सकते हैं क के लिए हम लोग ये जो इंग्लिश का वर्ड है यहाँ डी प्रेस करते हैं, डी प्रेस किया, देखिए यहाँ पे क आ गया। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं जिससे आप अच्छी तरह से देख पाएँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 30, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको 36 कर दिए। आप देख लीजिए यहाँ पे क दिखाई दे रहा है आपको, क आ गया, डी प्रेस करने से क आ जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, अब आ की मात्रा लगाएंगे, क के साथ आ की मात्रा, तो क्या करेंगे डी पे क्लिक करेंगे, डी आ गया। देखिए आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, के प्रेस करेंगे, के, तो यहाँ पे के प्रेस कर देते हैं, देखिए के पे मैंने प्रेस किया तो आ की मात्रा आ गया, फिर स्पेस दे दिया। अब छोटी ई की मात्रा, तो पर या छोटी ई की, छोटी ई को कोई कोई हरसई भी बोलता है, तो यहाँ पे छोटी ई के लिए क्या करेंगे, पहले मात्रा लगाएंगे, तो छोटी ई के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ प्रेस करेंगे, एफ, ये देखिए मैं एफ प्रेस कर रहा हूँ, देखिए छोटी ई आ गया यहाँ पे, और फिर क के लिए यहाँ पे डी प्रेस कर दिया, ये देखिए क आ गया, फिर यहाँ से स्पेस दे दिया। अब बड़ी ई के लिए क्या करेंगे, फिर पहले क लिखेंगे, तो यहाँ पर डी लिखा, क आ गया। बड़ी ई के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच प्रेस करेंगे, ये देखिए मैं एच प्रेस कर रहा हूँ,
ये देखिए मैं एज प्रेस किया, बड़ी आ गया, फिर स्पेस दिया। उसके बाद है छोटी, छोटे ऊ के लिए क्या करेंगे, तो क लिखेंगे पहले यहाँ पे, डी प्रेस किया, क आ गया। छोटी ऊ के लिए हम लोग क्यू प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं क्यू है, क्यू पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए हर्षऊ जिसे हम लोग बोलते हैं, छोटी ऊ आ गया, फिर स्पेस दिया। अब फिर क के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी प्रेस करेंगे, क आ गया। उसके बाद बड़ी ऊ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं W प्रेस करेंगे, W, ये मैं W प्रेस किया, देखिए बड़ी U की मात्रा आ गया नीचे, फिर स्पेस दे दिया। उसके बाद है A की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क लिखेंगे, D पे प्रेस किया, क आ गया। अब A की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, S प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं S पे क्लिक करेंगे, ये देखिए A की मात्रा आ गया, अब स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे I की मात्रा के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले क लिखेंगे हम लोग, पहले क लिखते हैं, डी प्रेस किया, क आ गया। अब ए की मात्रा के लिए या तो आप कैपिटल के कैपिटल कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए, उसके बाद आप एस लिखिएगा तो आ जाएगा ए की मात्रा, अदरवाइज शिफ्ट दबा के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको शिफ्ट दबा के या नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कैप्स लॉक कर दिया मैंने, उसके बाद एस पे प्रेस कर देता हूँ, एस, देखिए ए की मात्रा आ गया, देख सकते हैं, या शिफ्ट दबा के भी आप ये काम कर सकते हैं। तो कैप्स लॉक को थोड़ा मैं ऑफ कर देता हूँ, ए की मात्रा आ गया। अब ओ की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे डी प्रेस किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी प्रेस कर दिया, ये देखिए क आ गया। अब ओ की मात्रा के लिए पहले आ की मात्रा लगाएंगे, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले के प्रेस करेंगे, ये देखिए मैंने के प्रेस किया, आ की मात्रा हो गया। अब इसमें ओ लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एस प्रेस करेंगे, एस, ये देखिए मैं एस प्रेस कर रहा हूँ, तो ओ की मात्रा यहाँ पे ओ कार आ गया यहाँ पे, फिर स्पेस दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे, तो औ की मात्रा के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले डी लिखा मैंने, क लिखा, अब औ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, आ की, पहले आ की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे के प्रेस किया, तो आ की मात्रा आ गया। अब औ के लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे, शिफ्ट पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद एस प्रेस करेंगे, तो दो ये लकीर आ जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये शिफ्ट मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैं शिफ्ट प्रेस किया, और फिर मैं एस प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे औ की मात्रा आ गया। फिर शिफ्ट छोड़ देना है, उसके बाद स्पेस प्रेस किया मैंने, स्पेस बार प्रेस किया, फिर अगेन यहाँ पे क लिखा मैं, अब औ की मात्रा हो गया। अब हमें बिंदी देना है क के ऊपर, तो बिंदी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे, ये देखिए बिंदी आ गया यहाँ पे, उसके बाद फिर स्पेस प्रेस किया मैंने क के ऊपर, बिंदी बिंदी देने के बाद अब जो मात्रा हम लोग लगाएंगे वो है आपका अह की मात्रा, जिसे हम लोग विसर्ग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क लिखते हैं, तो उसके डी प्रेस कर दिया, तो ये क आ गया यहाँ पे। अब विसर्ग के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो परसेंटेज के साइन है वो देंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो परसेंटेज डॉलर साइन के ठीक यहाँ पे परसेंटेज का साइन आपको दिख रहा है, ये लगाना है। तो यहाँ पे विसर्ग की मात्रा, मतलब दो बिंदी एक ऊपर आएगा ठीक, एक बिंदी नीचे आएगा, जिसे हम लोग विसर्ग या अह की मात्रा बोलते हैं हम लोग, और कोई कोई इसे विसर्ग भी बोलता है। तो यहाँ पे लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि फाइव के ठीक ऊपर डॉलर का साइन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शिफ्ट प्रेस कर दिया, उसके बाद ये जो साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग ये जो आ गया यहाँ पे, विसर्ग की यहाँ पे अह की मात्रा आ गया यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग किसी भी लेटर हो, चाहे क है ख हो, किसी भी लेटर के साथ हम लोग आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए ऐ ओ औ अंक अ, तो इस तरह कर से की, इस तरह का हम लोग मात्रा लगा सकते हैं पेज मेकर के अंदर, किसी भी आप लेटर के साथ, हिंदी लेटर के साथ आप इस तरह मात्रा लगा सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।